그렇구나. 배우야, 그 해산이 길고. हेलो नमस्कार, एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है लाइव टाइम्स टीवी में। और इस वक्त मौजूद हूँ मैं नाचुन विधानसभा की ग्राम पंचायत स्यांज में। और ये जो है लास्ट बूथ है यहाँ पर जो हम कवर करने वाले हैं, क्योंकि अब टाइम जो है ओवर हो चुका है मतदान का। जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप सभी दर्शकों को पूरे दिन भर जो है हमने जानकारी दी, हर बूथ का जायजा लिया। इसके साथ ही जो भी कैंडिडेट थे, प्रत्याशी थे, चाहे वो भाजपा से हो, इसके साथ ही चाहे वो कांग्रेस से हो, कहाँ कहाँ उन्होंने वोट डाले, सारी जानकारी आपको लाइव टाइम्स टीवी के माध्यम से दी गई। लेकिन यहाँ हम मौजूद है ग्राम पंचायत स्यांज में, और आपको यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और बताएंगे कि उनके क्या कुछ विचार हैं और नाचुन विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं इस लोकसभा सीट को लेकर। और अब जो है हमारे साथ तो कुछ लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूपचंद है। जैसे कि आप जानते हैं मंडी लोकसभा सीट के लिए आज मतदान प्रक्रिया जारी है, फिलहाल थोड़ी देर में जो है ये सब कुछ क्लोज हो जाएगा। लेकिन आज क्या विचार रखते हैं आप जो मंडी लोकसभा सीट है? पहले यहाँ पर जैसे एक तरफ तो दो प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के हैं और बीजेपी के हैं, बीजेपी में जो है प्रत्याशी सैनिक है और दूसरी तरफ एक महिला कैंडिडेट है। आप जानते ही हैं बखूबी किस प्रकार से जो है प्रचार चला था और किस प्रकार से जो है बयानबाजी भी हुई है, और मुद्दे भी आप बखूबी जानते हैं, चाहे इसमें बात करें हम बीजेपी की या कांग्रेस की। क्या विचार रखते हैं आप? देखो जी, जो जितना मैं विचार करता हूँ, जो जितना महंगाई, जो जो अंतर सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो जो महंगाई के बारे में बोलना चाहता हूँ, और इतनी महंगाई है, बहुत ज़्यादा महंगाई आजकल लोगों के घर में, जो गैस महंगी है, पेट्रोल डीजल महंगा है, लोगों का जीना आराम कर लिया सरकार ने जी। तो यही है मेरा, तो कहीं ना कहीं आपका विचार ये है कि काफी ज्यादा महंगाई है। तो कुल मिलाकर हम ये कहें कि आप जो है इस बार बीजेपी को साइड रखना चाहते हैं और कांग्रेस आगे होगी? ये तो पहले ही बात ही क्योंकि आप मास्क उतार सकते हैं बात करने के लिए, क्योंकि पहले से हम कांग्रेस ही रहे हैं और अब भी कांग्रेस ही है जी। तो हम बीजेपी को बख्शेंगे नहीं जी। जो जो हमने वोट डाला है वो कांग्रेस को डाला है जी। क्या लगता है आपको नाचुन ये जो विधानसभा है इसमें किसका रुझान ज्यादा है? कांग्रेस का रुझान ज्यादा है नाचुन में जी। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं जो है ये जो मुद्दे हैं बेरोजगारी के और इसके साथ ही महंगाई का मुद्दा लेकर जो है कहीं ना कहीं बीजेपी को मात देने की यहाँ पर कोशिश कर रही है, और भी लोग हैं, इनसे भी जानने चाहेंगे इनके क्या विचार हैं जी। आपके क्या विचार हैं, आप क्या विचार रखते हैं? हमारा भी यही विचार है कि आज नाचुन विधानसभा क्षेत्र के पंगलीर बूथ में जो शांतिपूर्ण तरीके से वोट हुए हैं, इसके लिए हम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बात रही सरकार की जो जीतने और हारने की बात है, उसमें जो आज हिमाचल सरकार के जो महत्वपूर्ण नीतियाँ जो किसानों के तक पहुँचाई है, तो उसके लिए तो हम ये चाह रहे हैं कि हम ब्रिगेडियर साहब इस मंडी लोकसभा संसदीय सीट से काफ़ी मतों से विजयी होंगे जी। तो कुल मिलाकर इनका कहना है कि बीजेपी जो है नाचुन विधानसभा से कहीं ना कहीं इनका पॉइंट ऑफ व्यू है ये कि बीजेपी आगे है। इसके साथ और भी लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ राय रखते हैं आप लोकसभा सीट को लेकर। हाँ जी, जैसे कि यहाँ अब मंडी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं हमारे मुख्यमंत्री, अब यहाँ से तो जितना ही है मंडी की सीट, हमें मंडी की सीट जितनी ये तो हम जीत जाएंगे। अगर महंगाई की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, तो काफी पीड़ित नहीं है आज का युवा? महंगाई का तो चलो ऐसे, जैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उसकी डिमांड भी बढ़ रही है जी। उस हिसाब से ये सब तो चलता रहता है जी। बाकी जब देश की आबादी इतनी है तो महंगाई तो होगी होगी, डिमांड बढ़ रही है चीजों की जी, ऐसा ही है बाकी। तो और भी लोग हैं, इनसे भी जाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर काफी लोग हमारे साथ जुड़े हैं। तो जी क्या कहना चाहते हैं आप, अपने विचार सबसे पहले रखें? मैं नहीं है किसी पार्टी की सदस्य रखता हूँ। क्यों, आप क्यों नहीं रखते किसी पार्टी से? तो क्या विचार है आपके, तब तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा आपसे जानना। नहीं नहीं, हम नहीं बोलते किसी के प्रति, किसी सरकार के प्रति नहीं बोलते। आज आपने वोट दिया? वोट दिया किसको दिया? तो ये नहीं बताया जाता जी, गुप्त मतदान, गुप्त मतदान जी, गुप्त मतदान।
चलो एक आम इंसान और एक आम जनता के अकॉर्डिंग आपकी पॉइंट्स ऑफ व्यू क्या है? जनता ना, आप किसी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं तो फिर क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहेंगे आपके? तो क्या रखना, आप कुछ नहीं रख सकते। वोट भी दिया आपने और कोई पॉइंट ऑफ व्यू भी नहीं आपके? नहीं नहीं नहीं। चलो बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये नाचन विधानसभा क्षेत्र में कुछ लोग हमें यहाँ पर मिले तो अपनी अपनी राय रख रहे हैं और यहाँ पर और भी शख्स हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? सभी ने अपनी अपनी राय रखी, किसी ने बीजेपी की तरफ रखी, कांग्रेस की तरफ रखी और कोई न्यूट्रल था। पार्टी की तरफ बोलेंगे ना, लोगों को बढ़ती हुई बेरोजगारी और महंगाई, गरीब लोगों के साथ अत्याचार, लॉकडाउन में दुकानदारों की दुकानें खुली रही जी, साहब के ठेके खुले रहे, दवाई वाले के दवाई, एक बेरोजगार को घर से बाहर नहीं निकलने के लिए ये लगा हुआ भी है, कोरोना लगा हुआ जी। तो इस तरह जो है गरीब किसान जो है, मजदूर जो है, खाने तक की मजबूर हो गया, मतलब ये सरकार की नीति है, लोग चाहते हैं कम बदलाव करना चाहते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये नाचन विधानसभा क्षेत्र के कुछ लोग हमें यहाँ पर मिले, ये लास्ट बूथ है जहाँ पर हम जो है कवरिंग कर रहे हैं मंडी की ये टीम। फिलहाल आप सभी दर्शकों से विदा लेना चाहती हूँ, फिर आपसे मुलाकात होगी और बाकी दिन भर की अपडेट के लिए या फिर अन्य खबरों के लिए, अन्य क्षेत्रों की खबरों के लिए आप बने रहिए लाइव टाइम्स टीवी के साथ।